दिल्ली के एक लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान एक छात्रा को करंट लग जाता है। क्या था पूरा मामला, कैसे ये सब कुछ हुआ था, उनकी दोस्त हमारे साथ हैं। आप जानती थी कौन थी वो छात्रा थी, क्या नाम था उनका? जी वो लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी, नाम वानी था उनका। मेरी फ्रेंड तो नहीं थी बट मैंने उनको जानती थी। कब हुआ था हादसा, कैसे हुआ था? सर ये 1 to 2 weeks अगो के टाइम में हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे। हुआ क्या था? सर हुआ ये था कि बारिश आ रहा था, बायोमेट्रिक जो गेट पे लगा हुआ ना, बायोमेट्रिक की वजह से हल्का सा अर्थिंग गई थी, तो उसकी वजह से उनको करंट लगा था। और उसके बाद क्या हुआ उन्हें, मतलब आप थी अंदर या उस वक्त आप घर? मैं यहीं पे थी और उसके बाद उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी थी, फिर जब उसके बाद वो नॉर्मलाइज नहीं हुई थी तो उनको फिर यहीं पे पास में आरएमएल हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया था। अब ना वो अपने होम टाउन में बरेली में, वो वहीं पे हॉस्पिटल में। तो कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह आपको पता थी, पुलिस आई थी मौके पर? सर नहीं, ऐसा तो कुछ कोई नहीं आया था। तो यही है वो लाइब्रेरी जहाँ पे आप लोग आती थी? जी बेसमेंट में चलती थी। बेसमेंट में चलती थी जी। तो अब क्या, कब से बंद है ये? सर ये काफी टाइम हो गया, उसको तो बंद हो गया, उस इंसिडेंट के बाद बंद हो गई थी। कितनी फीस है यहाँ पर? सर फीस जो फिक्स है इसका 25। तो अब जब ये बंद हो गई है, आपके एग्जाम आने वाला, कब है आपके एग्जाम, किस चीज का आपने फॉर्म भरा? मैं सर बेसिकली लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सितंबर में है। सितंबर में लाइब्रेरी बंद होने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? सर ओनर ने बात बोला है कि वो एक दो दिन में कहीं और जगह लेके वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लाइब्रेरी, तो वहीं पे जाएंगे जी। तो ये एक दो हफ्ते पुरानी बात है। ये देखिए एमसीडी ने यहाँ पर एक नोटिस भी चिपका दिया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से, ये आप देखिए। और इसमें कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को ये नोटिस यहाँ पर दिया गया, और दो दिन यानी 2 अगस्त तक आज इनको 48 घंटे में यानी आज तक इनको जवाब दे देना है। और कि किस तरीके से, जब नक्शे में ये बात नहीं थी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाएगी, तो आखिर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चलाई जा रही है, इसकी जवाब मांगा गया। देखना है इसमें आगे किस तरीके का एक्शन यहाँ पर सिविक एजेंसी लेती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस से हमने बात की, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है अब तक, हालांकि उनके अब संज्ञान में मामला आ गया है। तो चूंकि पीड़ित बच्ची इस वक्त मौजूद है बरेली में, तो उससे उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।